नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज और मैं आपके साथ हूँ शीतल खत्री। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। नमस्कार, मैं सौरभ पटेल, WH न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे अभी जस्ट 15 मिनट हुए हैं, यहाँ पे बहुत भारी यहाँ पे बारिश आई है और बस 15 मिनट बारिश आने के कारण में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दत्तावाड़ी स्थित पूरे वाड़ी भर में यहाँ पे जाने के लिए जगह नहीं है, अस्त व्यस्त यहाँ पे व्यवस्था हो चुकी है और साथ में यहाँ पे नाली न होने के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी ओवरफ्लो होता है। लोगों के दुकान में यहाँ पे पानी जो है वो भर जाता है, पूरा अंदर तक भर जाता है और साथ में पिछले साल यहाँ पे एक बच्चे की यहाँ पे बच्चा जो है नाली से बह के चले गया था, उसके परिवार को बहुत ही आपत्तिजनक यहाँ पे बात हुई थी। और साथ में जब भी यहाँ पे बारिश आती है, जब भी यहाँ पे बारिश गिरती है, वहाँ पे यहाँ का जो माहौल है वो परिसर का माहौल इसी तरह से दिखता है। और साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा पानी यहाँ पे जाता है, यहाँ पे नाली ना होने के कारण में पानी जाने का यहाँ पे सही तरीके से मार्ग नहीं दिखता है। यहाँ बारिश गिरने के कारण में यहाँ पे जो है पानी ये ओवरफ्लो होते के कारण में यहाँ पे नाली ना होने के कारण में यहाँ पे बहुत भारी समस्या यहाँ पे निर्माण होती है। और साथ ही में आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पे कितनी ओवरफ्लो में कैसे गाड़ी की ऊंचाई तक के छू जा रही है बारिश, यहाँ पे पानी पूरा ओवरफ्लो हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे पानी यहाँ से आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों के ऊपर से पानी जा रहा है और साथ में 4 साल से यहाँ पे वाड़ी नगर परिषद ने नालियों के संदर्भ में कुछ भी काम ना किया है और इसीलिए यहाँ पे जो है भारी मात्रा में यहाँ पे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। और साथ में मात्रा से यहाँ पे बहुत भारी मात्रा से आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी किस तरह से यहाँ पे पानी भर गया है गाड़ी में और वहाँ तक के जो दुकान है दुकान के अंदर तक के यहाँ पे पानी जो है पूरा ये हो रहा है, भर रहा है पानी। और यहाँ पे आने जाने के लिए लोगों को रास्ते में आने जाने के लिए लोगों को यहाँ पे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे। और कुछ ही वक्त में ये पूरे अमरावती महामार्ग पे पूरे पानी आके पूरा सांच जाता है यहाँ पे और लोगों को आने जाने के लिए। और इसी के कारण अतिक्रमण में भी वाहतुक में भी कहीं पर तभी अड़थड़ा निर्माण होता है, घंटों तक के यहाँ पे वाहतुक का जो है समस्या यहाँ पे लेनी पड़ती है, घंटों तक के यहाँ पे अतिक्रमण यहाँ पे होता है। जी हाँ, ये नज़ारा कहीं का नहीं है, तो ये नागपुर का वाड़ी छोटे से शहर का ये नज़ारा है। यहाँ की इतनी आप देख सकते हैं यहाँ पे टू व्हीलर किस तरह से यहाँ पे पानी में डूब जाती है और साथ में फोर व्हीलर यहाँ पे कितने यानी फोर व्हीलर से भी ऊंचाई छून लेती है यहाँ पे पानी, जो पूरा सांच जाता है यहाँ पे पानी यहाँ पे। और बहुत ये बस केवल 20 मिनट का बारिश गिरने के कारण ये पूरा अमरावती महामार्ग पूरा पानी से घेर लेता है और उसी साथ में वाहतुक को बहुत बड़ा अड़तड़ यहाँ से निर्माण होता है। और साथ ही में यहाँ पे यहाँ लेवल पे बहुत उद्योगपति होने के कारण भी यहाँ पे बहुत सारे दुकान यहाँ पे सेक्टर है यहाँ पे और साथ में पानी आने के कारण में दुकान के शटर के आगे तक के यहाँ पे पानी भर जाता है। दुकान वालों को दुकान के रहवासियों को यहाँ पे आने जाने के लिए बहुत समस्याओं से निर्माण यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं पूरी हर तरफ यहाँ पे पानी नज़र आएगी, आप जहाँ तक के देखेंगे वहाँ तक के बस पानी ही पानी यहाँ पे नज़र आएगी आपको। बहुत से बेरोजगार यहाँ पे फुटपाथ पे अपने दुकान जमाए रखते हैं और उसी साथ में बारिश आ गई यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कैसे छोले भटूरे वाले यहाँ पे कड़कती पानी में यहाँ पे इतना आरोग्य होने के बावजूद भी आप यहाँ पे इतने पानी में हो, गडर के अंदर में यहाँ पे वो बारिश के पानी में यहाँ पे वो अपना ये विकसित कर रहे हैं। और साथ में क्या है, नगर परिषद इसके ऊपर ध्यान देगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे निर्माण हो गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक विशेष खबर के साथ। देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और www.worldhindinews.in पर भी बैठते। धन्यवाद, चलिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक विशेष खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमारी न्यूज़ www.worldhindinews.in पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।